आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा को लेकर उपलब्ध भूमि के परीक्षण एवं विचार विमर्श हेतु मंडलायुक्त की अध्यक्षता में बैठक की गई। मंडलायुक्त ने कहा कि राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 4 स्थल प्रस्तावित हैं, जिसमें तहसील सदर के अंतर्गत ग्राम मोहब्बतपुर, महलिया दौलतपुर, चंडेश्वर कमहरिया मार्ग पर स्थित ग्राम अस्पालपुर, आजमबांध, तहसील निजामाबाद के अंतर्गत जमालपुर, काजी बेगपुर खलसा तथा तहसील सगड़ी के अंतर्गत ग्राम गदनपुर हिछन पट्टी की भूमि सम्मिलित है। मंडलायुक्त ने उपलब्ध भूमि की परीक्षण में पाया कि ग्राम अस्पालपुर आजमबांध की भूमि के संबंध में पहुंच मार्ग भूमि का प्रकार, भूमि के विवादित अथवा अविवादित होने, प्रभावित काश्तकारी एवं आवास आदि के संबंध में स्थिति पूर्णतः स्पष्ट नहीं कराई गई है। उन्होंने तहसीलदार सदर को निर्देशित किया कि तत्काल लोक निर्माण विभाग के अधिशायी अभियंता के साथ मौके पर जाएं तथा उस भूमि का मौका मुआयना कर आख्या उपलब्ध कराएं, ताकि सभी भूमि का एक साथ परीक्षण कर विश्वविद्यालय स्थापना हेतु शासन को प्रेषित किया जा सके। बैठक की गई, क्या देखिए, आजमगढ़ जनपद में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार एक विश्वविद्यालय की स्थापना होना प्रस्तावित है। इसमें उच्च शिक्षा विभाग से जिला स्तर से 4 जमीनों के प्रस्ताव शासन में गए हुए हैं, तो उनमें से उनके बारे में कमीशन स्तर से पूछा गया था, मंतव्य पूछा गया था, तो उसके विषय में आज बैठक भी है। तो अभी उस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है शासन। अब आज हमने यहाँ कुछ निर्णय लिए हैं रोडों जमीनों का परस्पर कंपैरिजन करने के लिए, तो इसके बाद फिर उसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों? दिशा निर्देश यही दिए गए हैं कि वहाँ की जो रोड की अप्रोच को देख लिया जाए, भूमि के प्रकार को देख लिया जाए, किसी प्रकार की भूमि में कोई समस्या तो नहीं है उसको देख लिया जाए, तो इस प्रकार ये इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर एक समय के प्रस्ताव शासन को स्वीकृत।